पढ़ रहा हूँ क्या छत पे आके बैठ जाते हैं, छोटी छत है ना, ऊंची छत है, आगे बैठे थे। दोस्तों आज जयपुर की बहुत मशहूर हस्ती हैं, अपने अन्नू बादशाह उनके भाई हैं और इनसे जानेंगे इनके कबूतर परवरी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपका नाम सुना है आपके भाई का और आपका, और ये सफ़र कब से शुरू हुआ आपका? ये हमारे नाना के टाइम से ये सर। अच्छा, नाना के टाइम से चलता आ रहा है। तकरीबन कितने साल हो गए होंगे? अब आप देख लो, नाना को तो खैर 60-70 साल हो गए, बाकी मैं जब से देख रहा हूँ बचपन से, मेरी उम्र भी 60 साल की है जी, तो मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। क्या मतलब आपने आपसे संभाला जब से कबूतर देखते आ रहे हैं आप? देखते हुए आ रहा है। अच्छा, नाना के भाई। और उड़ाने का भी शौक था आपके भाई को? उड़ाने का भी था, टूर्नामेंट जीते हुए। क्या नाम था आपके भाई का? अन्नू बेग साहब। अन्नू बादशाह, अन्नू बादशाह के नाम से मशहूर थे पूरे जयपुर में। तो किस तरह के इनामत जीते उन्होंने, कुछ बताएंगे इस बारे में? इनामत जीते हैं, बाजी लड़ाई है, बाजी में जीते हैं, कई कई टीमों ने भाग लिया, उनसे सब में जीते हैं। जयपुर टूर्नामेंट रखा गया था जयपुर का जी, पैंतीस चौथी छठे थी, उनका फर्स्ट इनाम अपने को आया था, टेलीविज़न मिला था उसमें जी, पंडित नवल किशोर शर्मा जी ने दिया था अपने हाथों से जी। जी, पुरानी बस्ती में जो है मामा राजस्थान कब था वो? जी राजस्थान कब था, उसमें अव्वल आए थे अपन। अव्वल आए थे। कितने कबूतर उड़ाए गए थे उसमें? उसमें 13 कबूतर उड़ाए जाते हैं, जिसमें 11 का टाइम वेलिड होता है। अच्छा, तो अपना पहला कबूतर ही जो है 3 बजे बाद बैठना शुरू हुआ था। पहला कबूतर जी जी। तो टोटल कितने घंटे बने थे आपके? अपने बने थे 100+ घंटे बने थे, 35 छतों के अंदर फर्स्ट आया था। 35 छतों में अपना पहला नंबर आया था। एक साथ ही एक दिन उड़ा था टूर्नामेंट जी, उसमें 35 मेंबर थे, सबने उड़ाए थे अपने अपने। तो आपकी अपनी घर की नस्लें थी जो कबूतर उड़ाए थे उसमें? घर की नस्लें थी, गेरे बाजरे थे। अच्छा अच्छा, थे सब पुरानी चाल के कबूतर थे। पुरानी चाल के, सबका अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब तो देखने को ही नहीं मिलते वो कबूतर। उनकी चाट लगी हुई है अभी भी कुछ कबूतरों में है क्या? कुछ कबूतरों में है। हाँ, नस्ले तो कुछ कबूतरों में खत्म हो गया, बाकी वो तो खत्म हो गया उनके, कुछ कबूतरों में तरीके से आज तक चल रही है सब। अच्छा, उनकी थोड़ी चाट लगी हुई है अपने जैसे पुराने जो बाज रहे थे उस टाइम के जी जी, तो उनकी कौम आज तक चल रही है अपने पास। काले घेरे थे जी, वो आज तक है अपने पास में, आज तक अपने पास में। अभी 3 कबूतर हमारे 25 साल पार कर चुके। अच्छा, अंडे बच्चे दे रहे हैं अभी? अंडे बच्चे निकाल रहे हैं, और अभी आपको उनके बच्चों का भी कराऊंगा शो, और पट्टों का भी कराऊंगा। तो क्या परवाज रही है उन बच्चों की आज? शाम तक है, सुबह से लेकर शाम तक। और अभी आपको अगर उनका बीच गली का छोटा सा बच्चा भी निकाल के कहूंगा ना उड़ा दो जी, किसी कबूतरबाज के पंजे नहीं टेकेगा। अच्छा, या तो घर आएगा या जंगलियों में लगेगा। अच्छा, जोड़े लगाते वक्त आप भाई का मशवरा करते हैं भाईयन का? बिल्कुल साहब, इन्हीं की राय से लगाता हूँ। तो किस तरह से जोड़ा लगाते हैं आप बताएंगे थोड़ा सा? देखना पड़ता है साहब, मिजान देखना पड़ता है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं? उनकी आँखें देखी जाती है, उनके दामन देखे जाते हैं पैरों के जी जी, उनकी हड्डी देखी जाती है सीने की, मतलब हर चीज़ को बारीकी से देखना पड़ता है, उसके बाद ही बच्चा कारगर होता है, फिर जोड़ा बनता है, फिर जोड़ा बनता है जाके। तो मतलब एक तरह से ये हुनर ही है। तो आपके उस्ताद कौन रहे? हमारे उस्ताद हैं ग्यासुद्दीन। अच्छा, उनका इंतकाल हो चुका है जी, संजय मार्केट के अंदर रहते थे वो, अब उनके लड़कों ने बांध रखी है लेकुद्दीन। अच्छा, वो आपके उस्ताद हुआ? लेकुद्दीन साहब हैं, उन्होंने पगड़ी बांध रखी, वो उस्ताद हैं इस वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी मुलाकात होती है उनसे आपकी? हाँ, होती है, कभी कभार हो जाती है। तो आपके पास कुछ रामपुरी कबूतर भी हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, क्या खूबी है इन कबूतरों में? रामपुरी आप कर रहे हैं, उस टाइम नहीं थे हमारे पास। अच्छा अच्छा, तो रामपुरी का कब से लगा शौक? ये राम से आए थे, तकरीबन 16-17 कबूतर आए थे जी, तो वो जब से शौक लग गया इनका। अच्छा अच्छा, अब आपके छोटे भाई देख रेख कर रहे हैं? हाँ, ये देख रेख रखते हैं, और मिलता नहीं, हम काम में लगे रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो आशु भाई आपको आपके पुराने कबूतर भी हैं बाजरे, उनसे ज़्यादा शौक है अपने रामपुरी कबूतरों से? सबका ये मेरे को शौक, जो उड़ान वाला जानवर है वो हर चीज़ का शौक है मेरे को। अच्छा, मतलब मेरे को ये नहीं है कि अपन कोई रामपुरी है तो रामपुरी सबसे बढ़िया, या बाजरे है तो बाजरे, घेरे तो घेरे,
जो अपना कारगर है वो सब बढ़िया अपने लिए है, तो इसलिए मैंने सब पढ़ मतलब कलर पे ज्यादा ध्यान नहीं है आपका, उड़ान पे ज्यादा है तवज्जो, ज्यादा उड़ान पे है आपकी। कलर को वो नहीं देते अपन, अहमियत जो उड़ान है तो वो अपन का फेवरेट कबूतर है वो। अच्छा, नीले हुआ करते थे हमारे जी, काले शाह हुआ करते थे, खेलबाज जो बिल्कुल छत से अड़ जाते थे, फिर शाम कर दिया करते थे, छत पे आ जाए फिर चले जाए, छत पे आ जाए फिर चले जाए, क्या बात है, खेल लगाते थे और फिर चल दिए। कौन से कबूतर थे वो? नीले थे, नीला उनमें से है क्या कोई? नीले नहीं, अब नीले सालनपुरे उनमें से, उनकी नस्लें चल रही है वो सालनपुरों में हो गई वो। अच्छा, वो सालनपुरे भी बन निकलते थे उनमें से? अच्छा, सालनपुरों में से थे वो भी बने हुए, मतलब उनकी चाट है अभी भी जी जी, सालनपुरों में जीरो जिनको बोलते जी जी, वो नस्लें थी, वो नस्लें थी। तो अभी किस तरह के कबूतर दिखाएंगे आप फर्स्ट पार्ट में? रामपुरी, अभी तो ये रामपुरी है। अच्छा, कुछ बाजरे हैं हमारे, कुछ पुराने कबूतरों में से इक्का दुक्का बचे हुए हैं। अच्छा, बाकी ये रामपुरी है। हाँ, तो आशु भाई, जैसे कि आपके भाई ने काफ़ी उड़ाने की हैं, आपको उड़ाने का शौक़ नहीं है? नहीं, उड़ाने का शौक है ना मेरा। अच्छा, जैसे अब वो पहले जैसी बात रही नहीं। हाँ, इनाम बाजी में ध्यान देते नहीं है इतना, बाकी उड़ाने का शौक आपकी दुआ से आज भी है। जी जी, 10-5 जानवर एनी टाइम ऐसे रखता हूँ मैं, तो कभी भी उड़ा दो उनको, आपके हाथ से उड़ा दो और उनकी उड़ाने देख लो। अच्छा अच्छा, एनी टाइम कभी भी आके उड़ा दो, और अभी है मेरे पास मौजूद। अच्छा, तो अभी फर्स्ट पार्ट में हम रामपुरी का शौक कराएंगे। हाँ, काय का भी करवाइए, रामपुरी भी है, बाजरे भी है, वैसे तो घेरे भी है। हाँ, तो 2-3 पार्ट बन जाएंगे आशु भाई की। मैंने भी पिछली मरतबा 2-3 बार वीडियो बनाई है और काफी लाइक और सब्सक्राइब आए थे दोस्तों। वो जिसमें अपन की जो मेन जोड़े रामपुरियों के जी, तो वो मेरे यहाँ एक लड़का करता है कबूतरबाजी जी, 7-8 जोड़ा भी मैंने उसके यहाँ छोड़ लगे। अच्छा अच्छा, तो शौक कराइए आप। तो दोस्तों, ये रामपुरी नस्ल है आशु भाई के पास, और ये कबूतर पूरी दुनिया में मशहूर है, और इन्हीं कबूतरों से आशु भाई कहा गया है कि टेडी कबूतर भी बने गए हैं। इन्हीं के ग्रोथ से बने जी, उम्र भी इसकी अच्छी खासी, 20 साल पुराना कबूतर। अच्छा, वो टेडी कबूतर जो आजकल ट्रेंड में है पूरी दुनिया में, लोग उनको लेना पसंद कर रहे हैं, इनकी चाट लगी हुई है, इनकी चाट लगी हुई है। अच्छा, तो क्या वजह है कि इनकी पूरी दुनिया में मशहूर है ये कबूतर रामपुरी? ये तो क्या है, देखो अपने अपने शौक ही है तो। अच्छा, कबूतर कोई सा अपने उसमें बुरा नहीं होता है, कबूतर सारे अच्छे होते हैं। ये तो क्या है, अपना अपना शौक होता है, किसी को क्या पसंद होता है, किसी को क्या पसंद होता है। ये देखो दोस्तों, ये अपने आशु भाई के रामपुरी कबूतर है, इनका शौक कीजिए आप। नर है ना ये? हाँ, नर है। ये देखो आप हर एंगल से दिखाओ जी इसको। 20 साल पुराना कबूतर है कम से कम। 20 साल? ये देखें दोस्तों, 20 साल पुराना कबूतर है, और इनके नाना के टाइम से शौक चलता आ रहा है, और इनके भाइयों को टाइम नहीं मिलता, तो अब आशु भाई संभालते हैं। ये देखें आप, इसकी आँख दिखाओ। ये देखें दोस्तों, ये किस तरह की आँख कहलाई आशु भाई? रामपुरी की। ये देखें आप, ये रामपुरी कबूतरों की आँख है दोस्तों। ये देखें आप कितनी ज़बरदस्त इसकी आँख है, और पूरी दुनिया में टेडी कबूतरों की चाट भी लगी, इसी से बने दोस्तों टेडी कबूतर भी एक्चुअली। ये देखें आप कितनी ज़बरदस्त इसकी आँख है, ये देखें करीब से शौक करें। अब इसके पर बताइए आशु भाई, ये देखें इसके पर, ये देखें परों का शौक कीजिए। परों में क्या खूबियाँ होनी चाहिए आशु भाई, इसमें क्या देखते हैं परों में, आप क्या चीज़ देखते हैं? होना चाहिए, अच्छा तुम दामन पूंछ के बराबर, पूंछ के बराबर। ये देखें मोमिया पंजे हैं, और जैसा कि उस्ताद ने बताया है कि दुम के बराबर होनी चाहिए पर, दुम के बराबर, दुम दामन एक सार होना चाहिए जी। मेडिकल वो भी उस्ताद है, सही के उस्ताद। अच्छा, चारों ओर से रहते हैं, शाहिद मेडिकल के नाम से, शाहिद मेडिकल के नाम से मशहूर है, वो भी एक उस्ताद है। अच्छा, ये एक और जोड़ा देख लें दोस्तों, सेकंड पैर का शौक करें आप, क्या ज़बरदस्त ये कबूतर। ये देखें रामपुरी कबूतर, ये देखें ये मादी ने, ये मादी ने, हाँ उससे लगा रखी जो किन्नर दिखाया था, नहीं नहीं इससे लगा रखी। अच्छा, वो अभी इसका जोड़, उसका जोड़ा नहीं लगाया इसका, और ये अभी इसी से लगा रखी इस टाइप से। अच्छा अच्छा, ये देखें दोस्तों शौक करें रामपुरी कबूतरों का, और टेडी कबूतर भी तकरीबन इन्हीं से बने हैं। अब इसके नर का शौक करा दीजिए आप, ये देखें दोस्तों रामपुरी कबूतर, ये देखें आप सेकेंड पेयर का शौक करा रहे हैं, और तकरीबन दूसरी तीसरी पीढ़ी है इनकी जो शौकीन शौक में। ये देखें आप घुमाने इसको चारों तरफ, इधर आ जाओ। ये देखें दोस्तों कितना खूबसूरत कबूतर है ये। अब आँख बताइए आशु भाई, ये देखें आप इसकी आँखों का शौक करें आप,
ये रामपुरी की गदली टाइप में है ये आँख। हाँ मेली आँख है, मेली आँख ही कहलाती है ना। ये देखें शौक कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप मेली आँख में ये कबूतर, बिल्कुल बारीक इनकी पलकें हैं और शान उड़ान की बेताज माशा हैं। ये देखें अब इसके पर बता दीजिए, ये देखें इसका कुंदा, ये देखें बहुत ज़बरदस्त पर हैं ये सब। आपने पर कैच में हैं, ये परों की बनावट देखें, गोलाई देखें परों की, ये गोलाई गोल होनी चाहिए ऐसे ना। इस ये देखें पंजे बता दो जी, ये देखें इसके पंजे। अब सेकंड पेयर का शो कर। अच्छा ये एक जोड़ा को सेट किया है आपने? ये इन्हीं के बच्चे हैं मेरे पास में सब। अच्छा एक ही मतलब इनसे एक ही ब्लड लाइन चल रही है? बच्चे मेरे पास में और अभी इनके अलावा 7-8 जोड़े मैंने कहीं छोड़ रखे मेरे मिलने वाले के। वो ही संभालता है मेरा। अब इनकी बिल्कुल गदली बिल्कुल मेली आके, ये बाद इनकी आके देखो आप। हाँ दिखाएं इसकी आँख दिखाओ। ये देखें दोस्तों रामपुरी कबूतरों का शौक कर रहे हैं आप, आशु भाई के यहाँ, और एक वक्त में 1990 के दशक में चैंपियन रह चुके हैं। ये देखें आप मेली आँख में, ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त इसकी आँख। पर ये नहीं, हाँ पर ही नहीं अपनी उड़ती हुई है। ये देखें दोस्तों इनकी उड़ती हुई कबूतरी, और ये दामन देखें आप बिल्कुल, बनावट देखें परों की बिल्कुल गोलाई देखें। अब पंजे, ये पंजे देखें आप शौक करें। ये देखें दोस्तों आशु भाई का पुराना शौक है, ये रामपुरी कबूतरों का शौक कर रहे हैं आप, देख सकते हैं सारे एक से आला आला कबूतर हैं, और एक कबूतर एक जोड़ा था इनके पास उसी से सारे कबूतर इन्होंने तामीर किए हैं, और इनके भाई अन्नू बादशाह के नाम से मशहूर थे जयपुर सिटी में, 1990 के दशक में चैम्पियन बने थे राजस्थान का जो टूर्नामेंट हुआ था जिसे राजस्थान हाई फ्लाइट टूर्नामेंट कहते हैं। ये देखें सारे कबूतरों का शौक करें आप एक साथ, सब आला आला कबूतर हैं, एक से एक रामपुरी कबूतर हैं। ये देखें आप सब कबूतर बेहतरीन कबूतर हैं, और जैसा आप लोगों को पता है कि रामपुरी कबूतरों से ही टैडी कबूतर भी बनाए गए हैं। ये देखें आप सब एक से एक बेहतरीन कबूतर आशु भाई के, ये देखें। और ये पुरानी चाल के कबूतर हैं दोस्तों, रामपुर में भी पुरानी चाल के ओरिजिनल ये देखें इस कबूतर की उम्र देखें आप, तकरीबन 15 साल का कबूतर है ये, ये देख सकते हैं आप बुज़ुर्ग कबूतर। ये देखें आप सब कबूतरों का शौक कर लें आप एक साथ, ये देखें स्टैंडिंग पर दामन परफेक्ट कबूतर हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों और बताएं आपको आशु भाई का शौक कैसा लगा। ये देखें आप इसकी आँख का शौक करें, मेली आँख में है ये कबूतरी, ये देखें अब इस ये देखें अब पर दिखाएं जी इसके, ये देख सकते हैं आप पर, ये देखें छोड़ दो और ये होता ही है। अच्छा होने के बाद में पूरे खोपड़ी से लेके पेटे तक ये असल होती है ना इनकी खूबी। हाँ हाँ रामपुरी की मेली आँख में और पूरे भरे हुए। अच्छा अच्छा ये है असली पहचान। अच्छा ये देखें साहब आप सारे कबूतरों का शौक करें, एक मशहूर छत अपने अन्नू बादशाह के नाम से मशहूर है अपने रामगंज में। ये देखें आप सब कबूतर एक से एक उम्दा कबूतर हैं दोस्तों। वीडियो के ज़रिए से बताइए आपको आशु भाई के कबूतर किस तरह के लगे, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।